नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आंतरिक सद्भावना के बारे में बात करेंगे। छात्रों, मुझे यकीन है आप सभी कभी ना कभी किसी पार्क में या किसी समुद्र तट पर गए होंगे, या गए होंगे भ्रमण करने या पिकनिक में किसी पार्क में या प्रकृति के करीब, या आपने उगते हुए या ढलते हुए सूरज को जरूर देखा होगा। हमारे ग्रह का एक सुंदर ताल है। इस प्रकृति के पूरे कामकाज में सामंजस्य है। सद्भावना शांति लाती है। शांति हमें तनाव से निपटने में मदद करती है। शांति हमें सोचने में मदद करती है। आंतरिक सद्भावना के चार तत्वों में शामिल है मन की शांति, आत्म स्वीकृति और अतीत की स्वीकृति, और सामान्य रूप से किसी के जीवन को स्वीकार करना। अब अगला सवाल ये होगा कि मैं अपने भीतर सामंजस्य कैसे बनाऊं? आंतरिक शांति का रहस्य इस तरह है। आप सभी को उन रहस्यों को जानना चाहिए। नियंत्रण को छोड़ देना पहला रहस्य है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जो नहीं है उसे जाने दो, जो है उस पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरा रहस्य ये है कि ध्यान करने के लिए कुछ समय अकेले बिताएं। विज्ञान ने साबित किया है ध्यान हमें रोज के तनाव से निपटने में मदद करता है। हम सभी रोजाना तनाव में होते हैं, चाहे वो छात्र हों, पेरेंट्स हों, सभी तनाव में होते हैं। ध्यान करने के लिए थोड़ा समय निकालें। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं। पता लगाएं कि किस प्रकार का ध्यान आपको सूट करता है और कौन सा वाला सुकून देता है। तीसरा रहस्य है अपनी धारणाओं को अपनाना और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करना। जीवन में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप इस बात से परिचित होंगे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता होती होगी, या कभी कभी आपको लगता होगा कि आप ऐसे लोगों से बचते हों जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बीच अंतर क्या है। और चौथा रहस्य है आंतरिक स्वीकृति। हम सभी के पास हमारी ताकत और कमजोरी होती है। एक बार आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार लिया तो आप उसे सुधार सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। पांचवा रहस्य है जैसा भी हो हर दिन को जियो। प्रत्येक दिन का अपना उतार चढ़ाव होता है और कृतज्ञता का अभ्यास हमेशा सद्भावना में बने रहने में मदद करता है। और छठा रहस्य है आंतरिक शांति और सद्भावना रखने का। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएं, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 24 घंटे फोन स्क्रीन में घुसे रहने से या अपने परिवार को समय नहीं देने से ये आपके भीतर शांति और सद्भाव नहीं लाने वाला। भीतर सद्भावना या शांति लाने का सातवां रहस्य ये है कि दादा दादी या बूढ़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। बुढ़ापा कुछ लोगों के लिए कठिन होता है और अगर कोई उनके साथ थोड़ा समय बिताए तो उन्हें खुश और संतुष्ट बनाता है, और इसके विपरीत आपको भी खुशी महसूस होगी और शांति भी महसूस करेंगे। जैसे कि सफल नेता वही होता है जो हमेशा आंतरिक सद्भावना रखता हो। मुझे भारतीय विकास फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर ए.आर.के. पिल्लई के मार्गदर्शन में रहने का एक बड़ा अवसर मिला था, जिसे पहले भारतीय कुष्ठ फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता था। 92 साल की उम्र में पूरी तरह से सामंजस्य में थे। वे नियमित रूप से ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करते थे और उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। इसलिए बच्चों, हमें सद्भावना में रहकर जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहिए, जैसे कि हमारी माँ प्रकृति करती है। आप सभी को एक अद्भुत सामंजस्यपूर्ण जीवन प्रदान करना चाहिए। जय हो, और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।